अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू सॉल्विंग सॉल्यूशन 16। आज फैब्रिक पेंटिंग टाइप्स एंड टेक्निक्स का मैं दूसरा ट्यूटोरियल कर रही हूँ, जिसमें मैं यूज़ करूँगी सिल्क पेंट्स। अच्छा, जो सिल्क पेंट्स होते हैं वो सिल्क फैब्रिक पे ही खाली बाउंडेड नहीं होते, आप इसको लॉन पे भी यूज़ कर सकते हैं, कॉटन पे भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका मैं आपको ट्यूटोरियल में करके दिखाऊंगी। लॉन भी यूज़ करूंगी, कॉटन भी यूज़ करूंगी। तो पहली टेक्निक शुरू करते हैं। अब आपने ले ली एक पेंसिल या कोई भी स्टिक ले लीजिए आप, जैसे आपका जितने साइज का कपड़ा है उस हिसाब से। फिर आपने इसको सेंटर पॉइंट से पकड़ा कपड़े को और इस तरह पेंसिल को इसके अंदर कर दिया। ये आपने पूरे कपड़े को इस तरह फोल्ड कर दिया और इस पे जो है हम एम्ब्रॉयडरी का जो धागा होता है इसको टाई कर देंगे। अच्छा, इस धागे को तोड़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा डिस्टेंस लिया आपने और इसको दोबारा से इसकी टाइंग शुरू कर दी इस तरह। ये आपने 3-4 दफा इसको बांध लिया। ये मेथड रोजेट मेथड कहलाता है। ये मैंने टाई कर लिया है। अब आपने क्या करना है, क्योंकि ये लॉन फैब्रिक है तो आप इसको जो है थोड़ा सा डैम्प कर लेंगे, पानी से गीला कर लेंगे, क्योंकि सिल्क फौरन एक्सेप्ट कर लेता है गीले को, लेकिन लॉन वगैरह नहीं करते, लॉन और कॉटन। अब आपने सिल्क पेंट लिया, इसे अच्छी तरह से शेक कर लिया। अब चाहें तो आप इसको किसी ब्रश के थ्रू इसे जो है वो कर दें, या फिर आप किसी स्पून के थ्रू डाल दें। ये आपका पेंट में हो गया डिप। अब आप इसे 24 आवर्स के लिए छोड़ दीजिए। ये हो गया आपका ड्राई, 24 आवर्स हो चुके हैं। अब हम इसको पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। ये आ गया आपका रोजेट मेथड का रिजल्ट। अब ये सैंपल पे इतना अच्छा है तो टी शर्ट, साड़ी या दुपट्टे पर कितना जबरदस्त रिजल्ट आएगा। फिर लीव ऑल दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for all of your views, likes and comments. As your comments means a lot, your likes, your views means a lot for me. They are like a push button to do more, more, more. So don't forget to subscribe, like, share. Thank you for watching.